स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये जो मशरूम आप देख रहे हैं इसका नाम है वुड ईयर मशरूम। ये बहुत ही एक्सोटिक वैरायटी ऑफ मशरूम है जो कि बहुत ही डिलीशियस है, खाने में बहुत ही उम्दा है और इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ है, जैसे कि ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है और भी बहुत सारे तरीके से हमारे शरीर को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये जो मशरूम है इसकी सबसे अच्छी खासियत बात है कि हम इसको बहुत आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं और इसका मार्केट डिमांड भी बहुत अच्छा है। इस वक्त इंडिया में इसका रिटेल प्राइस लगभग 4,000 से 5,000 रुपये पर किलोग्राम में है। आप इसको अमेज़न में सर्च कीजिए, लगभग वुड ईयर या क्लाउड ईयर इन सब नामों से, या इंटरनेट पे या फ्लिपकार्ट कहीं भी आप सर्च कीजिए, देखिएगा कि ये अक्सर चाइना से इंपोर्ट करके लोग हमें खिला रहे हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते इस मशरूम को घर में उगाना तो जस्ट इस वीडियो को अच्छे से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आसानी से उगाना सीख जाएंगे। ये जो मशरूम है इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड ओवर में दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत यूनिक है, क्रिस्पी है। एक खाने में तो इसका जेली नाम है, एक्चुअली इसके कई सारे नाम है, इसको वुड ईयर या फिर जेली मशरूम या ब्लैक मशरूम, ट्री मशरूम, क्लाउड ईयर मशरूम और भी कई तरह के नामों से इसको बुलाया जाता है। एक्चुअली जो वुड ईयर मशरूम है ये एक और सिमिलर लुकिंग वेराइटी ऑफ मशरूम है, जैसे कि जिसको कहते हैं एम्बर जेली रोल मशरूम। दिखने में लगभग सेम है, टेस्ट में भी लगभग सेम है, इसलिए साइनोमिसली दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मशरूम है ये खाने में लगभग क्रंची है पर स्लिपरी स्मूथ है और इसके अलग अलग तरह के क्यूजिन्स में इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली इसको सिंपली गर्म पानी में एज ए सूप या एज ए सलाद या फिर अलग अलग मशरूम, अलग अलग जैसे डिश बनते हैं मशरूम के, वैसे इसको पकाया जा सकता है या एज ए साइड डिश या फिर इसके पकौड़े और जैसे किसी भी डिश में इजीली घुल मिल जाता है क्योंकि ये मशरूम अलग मशरूम है काफ़ी, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ है, पतला है, तो ये ब्लेंड हो जाता है किसी भी मशरूम के साथ और ब्लैक दिखता है और इसका टेस्ट बहुत यूनिक है। ये जो मशरूम है ये ऑरिकुलेरिया जीनस से बिलोंग करता है जिसको जेली फंगी ग्रुप भी बोला जाता है। ये मशरूम जो है आप काफ़ी आसानी से उगा सकते हैं। अगर आपने इसको ड्राई हालत में परचेज़ किया है तो आपको सिंपल इसको पानी में डालना है, 15 मिनट के अंदर ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप इसको गर्म पानी में सोक करें उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट बाद निकाल के ठंडे पानी से धो दें तो ये एकदम जैसा फ्रेश हालत में रहता है वैसा अपना शेप और साइज रिगेन कर लेता है। उसके बाद आप इसको ईजिली किसी भी तरह कुक कर सकते हैं। काफ़ी सारी एशियन डिशेज़ में तो इसको बिना कुक किए भी खाया जाता है, पर मैं हमेशा सलाह करूँगा कि कोई भी मशरूम सबसे अच्छा रहता है कि अगर आप इसको कुक करके खाएं, क्योंकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं और हमारे लिए डाइजेस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे हमें मशरूम खाने के एक्चुअल सेहतमंद फ़ायदे होते हैं। ये मशरूम को उगाने के बारे में बात करते हैं। आपको मेन रूप से चार चीज़ों की ज़रूरत है अगर आप इस मशरूम को ऑर्गेनिकली घर में ही उगाना चाहते हैं तो। सिंपल है, सबसे पहले तो आपको एक फार्म चाहिए या एक घर चाहिए या फिर एक आप प्लास्टिक से भी अपना टेंट हाउस बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास मशरूम का फार्म है ऑलरेडी या फिर कोई भी एक ऐसा खाली जगह जहाँ पर आप रैक लगा सकते हैं वहाँ पर ये मशरूम उगा सकते हैं। तो पहला तो हो गया आपको एक जगह चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, ये मशरूम इवन दो काफ़ी सारे तरह की चीज़ों में उगाया जा सकता है पर बेस्ट रिजल्ट आता है इसको सॉडस्ट में, लकड़ियों में, क्योंकि ये वन में फॉरेस्ट में नेचुरली इसका काम ही है कि डेड डिगिंग लॉग्स या फिर जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसमें नेचुरली उगते हैं, इसलिए इसको आप सबसे अच्छा है अगर इजीली आप कैसे सॉडस्ट या फिर जो लकड़ी के जो पैलेट्स होते हैं या वुड चिप्स लकड़ी के जो छिलके होते हैं जो हमारे सॉमिल से मिल जाते हैं, कोशिश कीजिए कि आपको हार्डवुड मिले, हार्डवुड इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल पाए गए हैं। और आपको क्या चाहिए, आपको पीपी बैग्स चाहिए। पीपी बैग जो होते हैं वो ऑटोक्लेवेबल होते हैं, इसका मतलब यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा हीट को रेजिस्ट कर पाते हैं, पिघलते नहीं हैं गर्म होने पे भी, वो स्पेशली मशरूम के लिए ही बनाए जाते हैं। पीपी बैग्स अवेलेबल हैं, आप इजीली उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा आपको चाहिए एक ऑटोक्लेव या फिर स्टीम वेसल या प्रेशर कुकर, या आप सिंपली ऑनलाइन भी 2-3 हज़ार रुपये में भी आता है, ये सब कैनिंग मशीन होते हैं। मेन काम ये है कि ये हीट और स्टीम के माध्यम से जो हमारा जो कोई भी वस्तु है उसको स्टेरिलाइज कर देते हैं, मतलब उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। एक ऑटोक्लेव में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप काफ़ी प्रकार के मशरूम उगा सकते हैं। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको चाहिए होगा ऑफ कोर्स वो है स्पॉन। स्पॉन कुछ नहीं, स्पॉन जो है माइसीलियम होता है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ रहता है जो कि हम इनोकुलेट करते हैं किसी भी सॉडस्ट या फिर हेल्दी ग्रेन्स में।
जो ग्रेन्स हैं वो कंटेन करते हैं इस माइसीलियम को, जो कि हम अपने सब्सट्रेट के साथ मिक्स करते हैं ताकि हमारा माइसीलियम पूरी तरह से फैले और हमारा मशरूम निकल पाए। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप अपना जो है सॉडस्ट, या मैं कहने का मतलब है जो लकड़ी के जो क्या कहूँगा गूड़ा है या फिर इसके जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम साइज़ के होने चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटे दाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल, ताकि एयर सर्कुलेशन मेंटेन हो पाए बीच बीच में। तो आपको पहले वो लाने हैं और वो कोशिश करिए किसी एक वैरायटी के लकड़ी के हो, और हार्डवुड हो तो बेस्ट है। उसके बाद आप उसको अच्छे से धो लीजिए, और अगर आपको लगता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पुराना है या उसमें और फंगी हो सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के उसमें आपको लग रहा है कि धूल मिट्टी काफ़ी है, तो आप अच्छा होगा कि उसको पहले एक बार बॉयल कर लीजिए। उसके बाद का क्या स्टेज है, अब उसको सूखने दीजिए, और उसमें जब 60% मॉइस्चर आ जाए, मतलब जब आप उसको हाथ से जब दबा रहे हैं और आपके हाथ से किसी भी प्रकार से पानी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब उसमें 60-65% की नमी मेंटेन है, इस वक्त आप उसको सिंपली अपने पीपी बैग्स में डाल लीजिए। पीपी बैग्स में डालने के बाद उसको पैक कर दीजिए, और उसको कॉटन या किसी भी तरह का ऐसा कोई फिल्टर पेपर या कोई भी इस तरह का चीज़ में डालिए ताकि उसमें एयर जो है सर्कुलेट कर पाए। उसके बाद का स्टेप है, आप उसको सिंपली अपने स्टीम वेसल या ऑटोक्लेव में डालिए या अपने प्रेशर कुकर में डालिए, उसको 2-2.5 घंटे के लिए उसको जीवाणु मुक्त कीजिए, जिससे कि उसके अंदर के सारे जो है जीवाणु पार्टिकल जो है ख़त्म हो जाए। इसके बाद का सिंपल प्रोसेस है, अब जो हमारा सबस्ट्रेट है इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई भी प्रकार के इंसेक्ट या पैथोजन नहीं है। इस वक्त हम सेफली किसी एक बंद घर में, किसी बंद जगह पे, या कोई एक ऐसा चैम्बर, चाहे वो ग्लास का हो या प्लास्टिक का हो, हम उसमें क्या करेंगे, बहुत ही साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में अपने हाथों को अच्छे से और हर एक सरफेस को अच्छे से अल्कोहल से साफ़ करने के बाद हमारे स्पॉन को उस सबस्ट्रेट के बैग के रुई को खोल के उसमें 1 by 1 हम उसमें हमारे सबस्ट्रेट को स्पॉन से मिक्स करेंगे। इसको कहते हैं इनोकुलेशन। स्पॉन आप खुद भी बना सकते हैं या फिर आप सीधा हमसे खरीद सकते हैं। आपको जस्ट विजिट करना है bmmushroom.com या bmmushroom.shop, और वहाँ जाके आप अपना जो है वुड ईयर मशरूम का स्पॉन जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपके घर में इजीली होम डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद का क्या स्टेप है, इसमें आपको मेंटेन करना है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, जो वेजिटेटिव फेज़ है, मतलब जब आपका माइसीलियम जस्ट फैलेगा, जो कि लगभग 25 से 40 दिन का समय लग सकता है, इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपने छोटा बैग यूज़ किया है तो आपका माइसीलियम जल्दी फैलेगा, वेजिटेटिव फेज़ जल्दी ख़त्म होगा, तो बेस्ट है आप छोटा बैग यूज़ कीजिए। इससे आपका 25 से 30 दिन में आपका बैग लगभग पूरा वेजिटेटिव फेज़ ख़त्म हो जाएगा। आपको 24 से 30 डिग्री मेंटेन करना है। ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ नोट करके रखिए इसको। शुरू के 25 से 30 दिन या जब तक आपका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट ना हो, मेंटेन ए टेम्परेचर ऑफ 24-30 degrees Celsius। इसके बाद जब भी आपका माइसीलियम पूरी तरह फैल जाता है, फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है। फ्रूटिंग स्टेज में आपको सडन इसको शॉक देना है, 2-4 degrees उसमें कम कर देना है। इस वक्त आप टेम्परेचर अपना 20 degrees से 28 degrees Celsius तक मेंटेन कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी आपको 90-95% मेंटेन रखना है थ्रू आउट द टाइम। इस वक्त आप अपना फॉगिंग या पानी का स्प्रे हल्का शुरू कर सकते हैं, अपने घर में ह्यूमिडिफायर ऑन कर सकते हैं, जिससे कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए। आप खुद ही देखेंगे आपका जो मतलब बैग्स जो है धीरे धीरे पिनहेड फॉर्म करने लगेगा। इस वक्त आप 5 से 6 या 4-5 चारों तरफ से उसमें स्लिट बना लीजिए, मतलब बैग को काट दीजिए, थोड़े थोड़े जगह बना दीजिए ताकि आपके मशरूम निकलने के लिए रेडी हो और वहाँ से निकले। और इसमें हमें इस वक्त जो है फ्रूटिंग स्टेज में लाइट्स की ज़रूरत रहती है। आप 8 से 10 घंटे जो है लो इंटेंसिटी अपना LED बल्ब या फिर वहाँ पर ब्लू लाइट जला के रखिए। एयर एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका मेंटेन करती है। फ्रूटिंग स्टेज में आपको एयर का जो है एक्सचेंज करना है, मतलब हवा जो है अंदर बाहर होना चाहिए। इस वक्त आप अपने सारे वेंटिलेशंस को ऑन रखिए। 5 से 8 घंटा का आपका एयर फ्लो जरूरी है पर दिन। इस हालात में आप देखेंगे कि 5 से 10 दिन के अंदर आपका मशरूम निकलने लग जाएगा और जल्दी ही वो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। जो क्रॉपिंग साइकिल है वो लगभग 8 से 10 हफ्ते का रहता है टोटल, जिसमें आपको 3 अच्छे गुड हेल्दी फ्लशिंग्स मिल जाएंगे, मतलब ये मशरूम भी काफ़ी भरपूर निकलेगा आपका, और ऐसा 2 से 3 बार आसानी से होगा। इसकी हार्वेस्टिंग बहुत आसान है। जब आपका मशरूम कम्प्लीटली फुल ग्रोथ में आ जाए तो आप उस डिलीशियस मशरूम को बेस मतलब एकदम जो है उसको जड़ से पकड़िए और उसको ट्विस्ट कीजिए हल्के डेलिकेटली, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है तो आप इसको डेलिकेटली हैंडल कीजिए। और जैसे ही आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं या तो आप सिंपली इसको फ्रेश मार्केट में बेच सकते हैं या फिर उसको ड्राई कर सकते हैं। जो ड्राई मशरूम है अगर आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से रखा है तो आराम से वो काफ़ी सालों तक भी ठीक रहता है। और इसका मार्केट में ड्राई मशरूम का ऑफकोर्स बहुत डिमांड है। साथ ही साथ देखिए, मशरूम काफ़ी प्रकार के हैं,
और ओस्टर मशरूम जैसे बहुत आसान है, ये भी काफ़ी आसान है और काफ़ी सारे मशरूम हैं। एक्चुअली मशरूम क्या, कोई भी चीज़ तब तक आसान है अगर हमें वो आता है, अगर नहीं आता तो वो मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप मशरूम की फार्मिंग करना चाहते हैं तो सीखें ज़रूर। और मार्केटिंग के लिए हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, आप हमारे ग्रुप्स और हमसे जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको लगातार जो ख़रीदार हैं उनके डिटेल्स देते रहते हैं। साथ ही साथ आप bmmushroom.com में विज़िट करके हमारे ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको साइंटिफिकली मशरूम की A to Z सब सारी तरह की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ स्पेशल बायबैक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आप ज्वाइन करके बहुत ही आसानी से अपने मशरूम को उगाना सीखेंगे और आपको बेचने के लिए भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम वो मशरूम खरीद लेते हैं। तो लिमिटेड सीड्स हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छा होगा कि आप अपनी जानकारी या अपने जो भी आपको डाउट्स हैं मुझसे शेयर कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या डाउट है और क्या जानना चाहते हैं आप ज़रूर बताएँ। और किसी भी हालत में कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक हमको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। तो आपका दिन शुभ रहे, बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे। हैप्पी मशरूमिंग।